हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एबीएस फ्लाइट मीट्स। आखिर इतना बड़ा हवाई जहाज टर्न कैसे लेता है? पायलट के कौन से स्विच प्रेस करने पे विमान अपना दिशा बदल लेता है? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को समझने से पहले आपको हवाई जहाज के विंग के स्ट्रक्चर को समझना होगा। देखो, एरोप्लेन का विंग का शेप एयरफॉइल शेप की होती है। अगर आप नीचे से विमान को देखोगे तो आपको विंग का स्ट्रक्चर फ्लैट सा नजर आएगा, लेकिन ये आप जान लो कि हवाई जहाज का विंग का शेप सिर्फ फ्लैट नहीं बल्कि यह दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। नीचे के कंपेयर में ऊपर का लेंथ ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विंग के एक छोर से दूसरे छोर तक हवा को जाने में एक ही समय लगता है, तो इसका मतलब ये नीचे के मुकाबले ऊपर में हवा थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। इसलिए विंग के निचले और अंतिम छोर में ऊपर के मुकाबले एयर पार्टिकल ज़्यादा इकट्ठा शुरू होने लगते हैं और यही नीचे वाला एयर पार्टिकल्स विंग को ऊपर की तरफ पुश करना शुरू कर देता है और साथ साथ लिफ्ट भी प्रोवाइड करता है। इसलिए कोई भी विमान हवा में स्थिर रह पाता है। ये तो हो गई उड़ने की बात, लेकिन टर्न कैसे लेता है? देखो, कॉकपिट में डब्ल्यू शेप का जो ये स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं योक। जब पायलट इस योक को लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में घुमाता है तो विमान भी उसी दिशा में मुड़ जाती है, लेकिन यह योक हाइड्रोलिकली एलरोन से कनेक्टेड होती है। सपोज करो कि पायलट विमान को राइट डायरेक्शन में मोड़ना चाह रहा है तो पायलट सबसे पहले इस योक को दाएं की तरफ मोड़ेगा। इसके साथ साथ विंग में लगा हुआ एलरोन्स भी मूव करेगा। अब आप सोचोगे कि एलरोन्स क्या है, तो गाइस एलरोन्स के ही बदौलत विमान राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ पाती है। एलरोन्स विंग के एंड में लगी होती है। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट में मूव करती है। सपोज पायलट योक को राइट डायरेक्शन में मोड़ता है, इसके बाद लेफ्ट साइड वाली एलरोन्स नीचे झुक जाएगी और राइट साइड वाली एलरोन्स ऊपर की तरफ उठ जाएगी। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है, तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने विंग के एयरफॉइल स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था कि ऊपर के कंपेयर में नीचे ज़्यादा एयर पार्टिकल्स इकट्ठा होती है और यही नीचे का एयर पार्टिकल्स विंग को पुश करके लिफ्ट प्रोवाइड करती है। इसलिए जब राइट साइड वाली एलरोन्स झुकती है तब सामान्य से ज़्यादा एयर पार्टिकल्स इकट्ठा होने लगती है और इसी कारण राइट साइड का विंग उठने लगती है। लेकिन कुछ सेकेंड पहले ही मैंने आपको बताया था कि एलरोन्स एक दूसरे के अपोजिट में मूव करती है। अगर एक साइड का एलरोन्स झुकती है तो दूसरे साइड का एलरोन्स उड़ती है। तो जब एलरोन्स ऊपर की तरफ मूव करती है तब यहाँ लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है, साथ साथ ड्रैग भी क्रिएट होती है। इसलिए विमान बहुत फास्ट और जल्दी टर्न ले लेता है। यानी जब विमान राइट डायरेक्शन में टर्न लेती है तो लेफ्ट एलरोन्स झुक जाती है और राइट साइड की एलरोन्स ऊपर उड़ जाती है। सिमिलरली जब प्लेन लेफ्ट साइड में टर्न लेती है तो उस वक्त राइट साइड की एलरोन झुकती है और लेफ्ट साइड की एलरोन्स ऊपर उड़ जाती है और इसी तरीके से विमान हवा में टर्न लेती है और इसे पायलट की भाषा में कहा जाता है रोल। तो गाइस विमान का अभी एलिवेटर्स और रडर के बारे में समझाना बाकी है, तो इस दोनों के फंक्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर अभी भी किसी तरह का मन में सस्पेंस है तो कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।